साथियों, आज यहां लोंगेवाला की एक्सपोज पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है, एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है, और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये जयकारा कानों में गूंजने लगता है। साथियों, जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे। इन हरकतों से पाकिस्तान का गणित चेहरा उजागर हो रहा था, भयंकर रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था। इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। साथियों, यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। उसको क्या पता था कि हां, उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय वीरों ने टैंकों से लैस दुश्मन के सैनिकों को धूल चटा दी, उनके मंसूबों को
नेस्त नाबूद कर दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि कुलदीप जी के माता पिता ने उनका नाम कुलदीप भले रखा था, उनको लगा होगा ये कुल का दीपक है, लेकिन वो कुलदीप जी ने अपने पराक्रम से उस नाम को ऐसे सार्थक कर दिया, ऐसे सार्थक कर दिया कि वे सिर्फ कुलदीप नहीं, वे राष्ट्रदीप बन गए, राष्ट्रदीप बन गए।